नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, सब अपने को सबसे बेहतर बता रहे हैं। मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 14 के प्रत्याशी जानसठ से गौरव भटनागर को दिखाया, उसके साथ साथ मैंने आपको जो दूसरे प्रत्याशी हैं इसी वार्ड से नवेद अंसारी को दिखाया, और जो तीसरे प्रत्याशी जो कि निवर्तमान सभासद भी हैं इस मोहल्ले से विवेक उपाध्याय T2 से भी आपको मिलवाया, उनकी राय भी मैंने आपको आपने जानी। इसके साथ साथ मतदाताओं की क्या सोच है, मतदाताओं ने क्या कहा, इस पर भी हमारी पूरी नज़र है, हम आपको रूबरू कराते हैं। आइए अब चौथे एक और प्रत्याशी इसी वार्ड के नफीस से भी हम आपको रूबरू कराते हैं, उन्होंने क्या कहा, सुने उन्हीं की जबानी। और मेंबर मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे, नफीस बताइएगा, आप एक योजना में रह चुके हैं, फिर दोबारा क्यों आना चाह रहे हो इस बार? हम आना चाह रहे हैं मेंबरी में, हाँ। ये तो चलो चुनाव है, हाँ। हर आदमी लड़ता है उसके लिए है, हाँ। लेकिन जो भी ये भ्रष्टाचार चल रहा है उसके लिए आए हैं हम फिर दोबारा। बहुत लोगों की शिकायतें हैं ऐसी, हाँ। कि भाई ये हो गया वे हो गया, पूरे जानसठ में मकान में यो कर दिया वो कर दिया, हाँ। लेकिन इसके लिए आए हैं फिर दोबारा, देखते हैं मुकद्दर अजमा रहे हैं अपने विकास के लिए। तुम भी मकान बनवाने के लिए कुछ? नहीं, मकान अगर आए भी तो बनवाएंगे मकान, तो सच्चाई है कि मकान आएंगे तो बनवाएंगे। अच्छा, और क्या प्राथमिकता रहेगी अगर तुम जीत तो? और जो इसकी मेंबर के हैं उसमें सड़कें वगैरह हैं, सफाई वगैरह, लाइटें वगैरह, उसकी देख के अपने वार्ड के लिए जितना भी हक होगा उससे ज्यादा से ज्यादा काम हम अपना करेंगे। जनता के हक में पूरा काम करेंगे, बे लॉन्च करेंगे, जनता के हक में विकास होगा, पूरा विकास हमारा काम होगा, वो विकास के लिए काम होगा। कैसा लग रहा है आज सब एक साथ एक मंच पर हैं, पूरा मोहल्ला एक साथ है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत खुश है सबसे, न हमारे में कोई आपस में किसी मेंबर में कोई विवाद है, न कुछ है, एक से एक मिल रहा है, सब अपनी बात कर रहे हैं, मुसाफा मिला रहे हैं, बहुत बस जिसको दे वो खुदा नवाजेगा, बहुत बढ़िया होगा, बहुत धन्यवाद। आने वाले टाइम में लड़ूंगा मैं, बताइए आपको क्या जरूरत है इस मोहल्ले को, किस क्या क्या जरूरत है यहाँ पर, क्या होना चाहिए मोहल्ले में और खास कुछ नहीं, सफाई हो रही है नई गली में, सफाई का हो रही है, लाइट भी जलने गली में, लाइट कहे की जरूरत है, क्यों हमारे मोहल्ले में तो दिक्कत है, देखो लाइट भी नहीं जल रही, लाइट जल रही हो, देखो इधर पूरा अंधेरा पड़ा है। अच्छा, तुम्हारी गली में लाइट नहीं जल रही, एक भी बल्ब भी लग रहा हो तो? तुम्हारी गली में लाइट जल गई? नहीं, ऊपर वाले का कर्म है कि लाइट भी है, अंधेरा भी है, चांदना भी है। इस बार तुम भी क्या चक्कर है, तुम भी चुनाव मैदान में हो? आने वाले टाइम में नहीं, इस बार तुम भी चुनाव मैदान में क्यों? पांच साल बाद अगर मैं जिंदा रहा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। नहीं, तुम तो लड़वा रहे हो, तुम तो लड़वा रहे हो। यही तमन्ना है कि मैं अपने जो विकास के मैं अभी से इसका झंडा लेके चलूंगा। नहीं, इस बार पहली मेरी जो प्राथमिकता होगी मेट्रो स्टेशन की होगी, दूसरी मेडिकल की होगी, तीसरी होगी स्टेडियम की। तो देखो, आपने सुना, आपने सुना, ये भी एक मेंबर, ये भी एक वोटर्स है जिन्होंने बताया है कि मेट्रो स्टेशन हो या दूसरी चीजें हो, लेकिन हम इनको बताना चाहेंगे कि ऐसी चीजें चेयरमैन के हाथ में नहीं होती हैं, उसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा हम आपसे पूछना चाहेंगे, नवेद अंसारी को आप चुनाव लड़ा रहे हैं तो क्या दावे? नवेद अपने भतीजों की लड़ा, नवेद खान को देखो, पांच पहलवान लड़ रहे हैं, पांच में से एक जीतना है, चार हारना। अनवर साहब, किस चीज की जरूरत है मोहल्ले को? हम तो उसी को वोट देंगे जो यहाँ का मोहल्ले का जो है विकास कराएगा, और जो यहाँ की समस्याएं है वो दूर करेगा, और जो यहाँ की समस्याएं है वो दूर करेगा, हम जो उसी को वोट देंगे और उसी के लिए हम कोशिश करेंगे, और आने वाले चुनाव में वही उसका भागीदारी होगा। तो बहुत बड़ी बात संजीदगी से बताई है यहाँ के वोटर्स ने, और चाहते हैं कि विकास हो, स्वच्छता हो, सुंदरता हो, और आपसी सद्भाव और आपसी माहौल भी बने, जिसमें आज मिसाल देखी जा रही है कि देख सकते हैं गौरव भटनागर जो कि प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, और दूसरे उनके सामने कंटेस्टेड हैं नफीस, उनको वो किस तरह से हलवा खिला रहे हैं, उसके साथ साथ और दूसरे कैंडिडेट भी यहां पर हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी एक मिसाल भी है कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर, एक मंच पर आकर अपनी बात कही जाए, अपनी बात रखी जाए। चुनाव तो एक ही जीतेगा, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि आपसी सौहार्द के साथ संपन्न हो मतदान। इससे पूर्व भी इसी वार्ड से एक और सभासद के प्रत्याशी नवेद खान ने भी अपना जनसंपर्क किया, चुनाव प्रचार किया, महिलाओं ने भी चुनाव प्रचार किया, और इसके साथ साथ उन्होंने भी अपने कार्यालय पर
लोगों को इकट्ठा किया, मतदाताओं को एकत्र किया तथा साफ कर दिया कि वो भी हकदार हैं, उन्हें भी वोट दी जाए। यदि वो जीतते हैं तो विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। सुने देखें उनका भी एक और नजारा। और आप लोगों सबको पता है मैं शुरू से ही आप लोगों के साथ हर वक्त खड़ा रहा, ठीक है जी, और इंशाल्लाह ऐसे ही साथ रहूंगा। मेमोरी एक तरफ, मेमोरी से हक के लिए। बहरहाल नगर निकाय चुनाव पर पल पल की अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने हुए हैं। मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि बहुत से लोग व्हाट्सएप पर चाहते हैं कि लिंक शेयर किया जाए, लेकिन मैं उनको एक सलाह दूंगा, मेरी रिक्वेस्ट भी है कि वो सीधा YouTube पर जाए और बार और बेंच लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टाइप करें और बेल आइकॉन दबाएँ तथा अपना पसंदीदा चैनल पर हर तरह की खबर देखते रहे। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमैली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। अगली खबर भी है बहुत खास।